अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देखना शुरू कर चुके हैं नूरानी खबरें। नाज़रीन, अब हिंदुस्तान में, इस मुल्क भारत में नमाज पढ़ना किसी अपराध की तरह देखा और दिखाया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, नमाज के आधार पर अब मुसलमान अपराधी बनाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उन्हें ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और उन्हें ही सख्त चेतावनी दी जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और इस महीने अधिकतर मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और रियादत में मशगूल रहते हैं। पांचों वक्त की नमाज के अलावा मुसलमान भारी तादाद में तरावी की नमाज को अदा करते हैं। अब नमाजियों की लंबी फहरिस्त देख, नमाजियों की सफ़े देख, अंधभक्त जले भुने हुए हैं और अनुभव किसी भी सूरत में नमाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पहले सड़क पर नमाज हो रही थी, तब इन्हें दिक्कत थी। अभी हाल ही में गुजरात यूनिवर्सिटी में किस तरह से अफगानिस्तानी मुसलमानों पर जिस तरह से नमाज के दौरान, तरावी के दौरान पथराव किया गया था, उस खबर से हमने आपको रूबरू करवाया। अब ऐसी ही एक खबर देहरादून से निकलकर सामने आ रही है, जहां इन अनभक्तों को, भगवादारी गुंडों को घरों पर नमाज अदा करना भी गवारा नहीं है। जी हां नाज़रीन, मुसलमान अब अपनी प्रॉपर्टी पर नमाज पढ़ रहा हो तो भी अंधभक्तों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खबर है देहरादून से, जहां एक मुस्लिम घर में लगभग 30 से 35 लोग एक साथ जमा होकर तरावी की नमाज अदा कर रहे थे। नाज़रीन, यूं तो मुसलमान जानते हैं कि किस तरह से तरावी की नमाज का अहतमाम घरों में भी किया जा सकता है, लेकिन वे लोग जो तरावी की नमाज के बारे में नहीं जानते, उनके लिए मालूमात दे दें कि तरावी की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसे जमात के साथ अदा किया जाता है और इसका अहतमाम मुस्लिम घरों में भी एक हाफिज़े कुरान के साथ कर सकते हैं। आमतौर पर तरावी की नमाज पूरे महीने यानी रमजान पाक के पूरे 30 दिन अदा की जाती है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर ये 10 दिन की होती है, कहीं 15 दिन, कहीं 20 दिन तो कहीं 24 दिन की तरावी की नमाज अदा की जाती है। और आमतौर पर जब मस्जिदों में जगह नहीं होती, मस्जिदों में इसका अहतमाम नहीं किया जा पा रहा होता भारी तादाद को, तब कुछ मुसलमान एक साथ इकट्ठा होकर, चाहे वे घर हो या फिर कोई हॉल, वहां पर तरावी का अहतमाम करते हैं। इशा की नमाज यानी जो रात को 8 बजे के बाद अदा की जाती है, उस नमाज के बाद तरावी की नमाज अदा की जाती है, जिसमें कुरान करीम की आयतें पढ़ी जाती है, कुरान करीम पढ़ा जाता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस तरावी की नमाज में न सिर्फ अपने लिए, अपनों के लिए, बल्कि मुल्क के अमन व अमान के लिए भी दुआएं की जाती है। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह की खबर देहरादून से निकलकर सामने आ रही है, इस खबर को हम आपको तफसील से बताएं, पूरी मालूमात दें, तो इसकी एक पुरानी झलक भी आपको याद दिला देते हैं। जी हां नाज़रीन, पिछले साल भी रमजान में तरावी की नमाज एक बार फिर से सुर्खियों में बनी थी, जब मुरादाबाद में एक कारोबारी स्थल पर, जो खुद की एक मुसलमान की अपनी प्रॉपर्टी थी, वहां पर तरावी की नमाज का अहतमाम किया गया था और भगवादारी गुंडों ने जमा होकर क्या कुछ तांडव किया था, और उसके बाद एक्शन जो है उल्टा मुसलमानों पर ही पुलिस प्रशासन ने मुरादाबाद में लिया था। ठीक इसकी ही एक और झलक जो है अब देहरादून में देखने को मिली है। जी हां नाज़रीन, एक बार फिर इसी साल रमजान में जब तरावी की नमाज अदा हो रही थी, तब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने एक साथ जमा होकर तरावी की नमाज में खलल डाला, खूब हो हल्ला किया और साथ ही साथ खुलकर तरावी की नमाज का विरोध भी किया, जिसके बाद मुसलमानों की पक्ष की ओर से तुरंत पुलिस को फोन किया गया, पूरे मामले की मालूमात दी गई कि किस तरह से यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कॉल के बाद पुलिस फौरन वहां पहुंची। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस आने के बाद पुलिस ने अपना काम किया होगा और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे, समाज में अलगाववाद पैदा करने की कोशिश कर रहे लोगों को सख्त चेतावनी दी होगी या फिर उन पे किसी तरह का कोई एक्शन लिया होगा, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के मेंबरान को ही कोई सख्त चेतावनी दी, ना ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से ही कुछ कहा कि ऐसा ना करें, बल्कि इसके उलट मुसलमानों को ही सख्त अल्फाज में चेतावनी दे डाली गई। जी हां नाज़रीन, जो 30-40 मुसलमान अपने घर में शांति से
बिल्कुल शांति पूर्वक तरीके से देश के अमनो अमान के लिए, सुकून के लिए अल्लाह तबारक व ताला की इबादत कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, जिनसे किसी को कोई खतरा नहीं था, जिनके नमाज पढ़ने से देश में किसी की इबादत में खलल नहीं पड़ सकती थी, जिनके नमाज से किसी को दिक्कत नहीं हो सकती थी। उन लोगों को जमकर फटकार भी लगाई गई, उनसे सख्ती से निपटा भी गया। ये रवैया रहा देहरादून की पुलिस का। देहरादून पुलिस यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने मुसलमानों को सख्त अल्फाज में कहा कि आइंदा अगर आपने अपने घरों में नमाज अदा की तो आप पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो नाज़रीन, अब सवाल आपसे है, अब चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं या फिर किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आपको ये बताना है कि आखिर यहाँ गलती किसकी है? क्या अपने घर में एक मुसलमान नमाज तक अदा नहीं कर सकता? क्या नमाज अदा करना बहुत बड़ा क्राइम बन चुका है? क्या अब मुल्क भारत में, भारत जैसे देश में जो एक सेकुलर कंट्री है, वहां पर मुसलमानों के नमाज अदा करने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी? पहले सड़क पर नमाज अदा करना अपराध बताया गया, फिर किसी कारोबारी स्थल पर नमाज अदा करना गलत बताया गया, इसे भी अपराध की श्रेणी में डाला गया, और अब मुसलमान घर पर नमाज अदा कर रहा है तो भी इस तरह की कार्रवाइयां मुसलमानों पर ही की जा रही है। इसके उलट जो लोग देश में, समाज में नफरत का बीज बो रहे हैं, जिनके वजह से देश के फिजाओं में नफरत पूरी तरह से घुलता जा रहा है, जो लोग देश के अमनो सुकून को बर्बाद कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। क्या यही मोदी सरकार का नया देश, नया भारत है? कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये मालूमात ज्यादा से ज्यादा आम हो सके कि किस तरह से मुसलमानों की नमाज पर, उनके घरों पर अदा की जाने वाली नमाज पर भी अब सरकार पाबंदगी लगा रही है। बहरहाल नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।